नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों 3900 वैकेंसी का जो एग्रीकल्चर टीए की 3900 वैकेंसी का ये फर्स्ट वीडियो हमारा एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर प्रमुख कृषि संस्थान जहां से 5 क्वेश्चन आए थे आपके परीक्षा में, ठीक है। तो यहां से किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रखा मिलता है। अभी लोअर पीसीएस आरओ वाला हुआ था, उसमें क्वेश्चन मिला था, ठीक। आगे लोअर पीसीएस में मिलेगा। 5 क्वेश्चन यहां से आपके जो है एग्रीकल्चर टीए में पूछे गए थे। तो ये एग्रीकल्चर का पहला जो है ये वीडियो जो 3900 वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो पहला वीडियो है वो प्रमुख कृषि संस्थान है। इसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, समझे। ढीले मत पढ़ना, पढ़ते जाना, ठीक, अगर नौकरी लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख कृषि संस्थान, देखिए ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, दिख जाएगा, समझ जाना, ठीक है। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, परिषद और संस्थान दोनों नई दिल्ली में, ठीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। हम अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र संस्थान मैक्सिको में है, ठीक। ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ये लोअर पीसेस में आया था, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक। आरओ पशु स्वास्थ्य इधर का जितना है सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर वाला। यहाँ कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, नई चीजें, हो सकता है अब नई चीजों से पूछ लिया जाए, इस बार नहीं विश्वास कर सकते। इस बार आपको थोड़ा हटके पढ़ना है, अलग अलग चीजों को पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट हो तो सब पढ़ता, बे इंपॉर्टेंट पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट ना हो, समझ रहे हो ना। आइए पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता में है। ICAR समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है,
केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा, हैसरघट्टा बंगलुरु में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है, ठीक फरीदाबाद हरियाणा पड़ता है। ये 33 हैं, ये 33 आपको रटना है, याद करना है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से फंसेगा नहीं, ठीक है। इसको लिख लेना, याद कर लेना, जो भी मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ उसको एक जगह लेना। 3900 वैकेंसी के लिए फर्स्ट वीडियो, ओके। नमस्कार, धन्यवाद।